राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की है, कल जो वीडियो डाली थी मैंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा की डाली थी, और आज इनका होगा श्रृंगार होगा, तो इनका श्रृंगार करूंगी। इनको मैंने ये वाली न्यू ड्रेस पहनाई है। लड्डू बाबू ने पहनी है ऑरेंज कलर की ड्रेस, और ये ड्रेस मैंने बनवाई है, और इसके साथ का मुकुट भी बनवाया है। और काफी कमेंट आ रहे हैं कि मैम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस दिखाइए, इनकी शॉपिंग दिखाइए, क्या करिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है इनके लिए। अभी तो मैं सिर्फ लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की डालूंगी। आज मैंने लड्डू गोपाल जी को पहनाई है ऑरेंज, और इसमें ब्लू कलर की लेस लगवाई है। तो ये ड्रेस मैंने बनवाई है, जहां पे मैं लड्डू गोपाल जी के सभी के ड्रेस बनवाती हूँ। रेडीमेड में कोई भी ड्रेस नहीं लेके आई हूँ, और अभी बनने गई हुई है क्योंकि आगे गर्मी ही आ रही है। तो मैं इनके लिए मतलब कॉटन की भी ड्रेस बनवाऊंगी, थोड़ी हैवी भी बनवाऊंगी। तो जब आ जाएंगी तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी जरूर से। तो आज हम लड्डू गोपाल जी का करेंगे श्रृंगार, तो लड्डू बाबू का आज होगा पहला श्रृंगार। अभी लड्डू गोपाल जी को हमने ड्रेस तो पहना दिया, अब इनको पहनाएंगे ज्वेलरी, जो कि मैं न्यू ज्वेलरी लेके आई थी इनके लिए, तो वो ही पहनाऊंगी। तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए मैं ये ज्वेलरी लेके आई थी, और भी है वो मैं दिखाऊंगी आपको कौन कौन सी लेके आई हूँ। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को ये वाला ये गले का इनका हार पहनाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ, और काफी सुंदर है। तो अभी लड्डू गोपाल जी को मैं ये पहना देती हूँ। तो अभी शॉपिंग मैंने ज्वेलरी की तो कोई ज्यादा करी नहीं है, मतलब दो तीन इनके सेट खरीदे हैं, और ड्रेसें बननी गई हुई है। जब भी आ जाएंगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी कि मैंने इनके लिए क्या क्या बनवाया, कैसी कैसी ड्रेसें बनवाई हैं। और लड्डू गोपाल जी का नाम भी रखेंगे हम, इनका छठी वाले दिन इनका नाम रखेंगे। तो मैं लड्डू गोपाल जी की छठी भी करूंगी, इनका नाम मैं उसी दिन रखूंगी छठी वाले दिन ही। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को लड्डू ही बोलती हूँ। तो ये वाला मैंने हार इनको एक पहना दिया, और मैं सोच रही हूँ एक ना इनको मैं जोकर हार और पहना देती हूँ ऊपर से, ताकि लड्डू गोपाल जी का गला भरा भरा लगे। तो देखते हैं अभी लड्डू गोपाल जी पहनते हैं या नहीं पहनते। तो मैं सोच रही हूँ एक ना यहाँ पर मैं ये वाला हार पहना दूँ मल्टी कलर का जोकर, इसको थोड़ा और लॉन्ग कर दूंगी मैं हार को। अभी लड्डू बाबू को मैंने एक ये जोकर हार पहना दिया है, और एक ये लॉन्ग हार पहना दिया है। और अब हम इनको पहनाएंगे कानों में इयररिंग। तो मैं ये वाले इयररिंग पहनाऊंगी लड्डू गोपाल जी को, और इनके कानों में होल है। तो अभी लड्डू गोपाल जी को पहना देते हैं ये वाले इयररिंग, और लड्डू गोपाल जी के कानों में होल है तो वैक्स की जरूरत नहीं है। तो इसकी जो कैप है पीछे की वो मैं लगा दूंगी। तो अभी लड्डू बाबू को हम पहना देते हैं इयररिंग। तो मैं थोड़े बड़े ही लेके आई थी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे अच्छे लगेंगे बड़े बड़े। तो अभी लड्डू गोपाल जी को दूसरे कान में भी पहना देते हैं। तो लड्डू गोपाल जी ने कानों में भी पहन लिया, पहना देते हैं इनको बैंगल हाथों में। तो देखते हैं लड्डू गोपाल जी कैसा अपना श्रृंगार कराते हैं। तो मैं पहनाऊंगी ये वाले बैंगल जो लेके आई हूं मैं, और काफी सुंदर बैंगल है। ये वाले बैंगल पहना देती हूँ लड्डू बाबू को। तो ये पहन लिए है लड्डू बाबू ने बैंगल अपने, कड़े भी पहन लिए हैं, लगा देती हैं इनके तिलक। वैसे तो तिलक लगा हुआ है, तो अब इनको एक मैं बिंदी भी लगा देती हूँ। बिंदी ऐसा लग रहा है जैसे मैं छोटी ले आई हूँ। चलो लगा देते हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे ही पता चलेगा साइज का भी। तो ये मैं बिंदी लगा देती हूँ इनको। ये लग गई हमारे लड्डू बाबू को बिंदी, और ये भी बहुत सुंदर लग रही है। और अब लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे मैं ना एक एक गाल पे रेड कलर की, या फिर सोच रही हूँ मैं येलो कलर की इनके बिंदी यहाँ पे लगा देती हूँ, उससे काफी सुंदर लगते हैं लड्डू गोपाल जी मेरे को। जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी हैं दूसरे वाले, उनके भी लगाती हूँ कृष्णा के केसर के इस तरीके से। तो अभी लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर एक एक
गालों पे भी बिंदी लगा देते हैं, जिससे इनका श्रृंगार और भी सुंदर लगता है मेरे को। तो ये मैंने लड्डू गोपाल जी को दोनों गालों पे लगा दिए, और एक ना चिक पे भी लगा दूंगी मैं। ये लग गया हमारे लड्डू बाबू के चिक पे भी, थोड़ी पे। और अब लड्डू गोपाल जी को हम, मैं सोच रही हूँ बाल लगाऊं या फिर ऐसे ही कैप पहनाऊं, तो अभी देख लेती हूँ मैं पहले बाल लगा के। तो ये हमारे लड्डू बाबू के बाल हैं, और जब मैं मुकुट लगा दूंगी ना तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो लड्डू गोपाल जी को कैसे लग रहे हैं बिग में। और अभी मैं ना इनको ये मुकुट लगाऊंगी, जो इस ड्रेस के साथ का मुकुट है, ये लगा दूंगी लड्डू बाबू को। ये लगा दिया लड्डू बाबू को हमने मुकुट। तो अभी मैंने लड्डू बाबू को ये मुकुट भी लगा दिया है मैंने, और अब एक ना मैं मोर पंख लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को, इनके मुकुट पे ही लगाऊंगी ये वाला मोर पंख मैं। तो एक लगा देते हैं मोर पंख। तो एक मैंने ना यहाँ पर मोर पंख लगा दिया है ये। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ कैमरा करके। तो एक मैंने मोर पंख भी लगा दिया लड्डू गोपाल जी को, और अब हम लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे देंगे। तो बांसुरी मेरे पास लकड़ी वाली भी है, ये वाली भी है, और दूसरी वाली भी है मोर पंख वाली। तो अभी देखते हैं लड्डू गोपाल जी को कौन सी बांसुरी लेनी है। तो मैं अभी दोनों हाथ में इनके रख के देखती हूँ। ये हमारे लड्डू बाबू ने ले ली है बांसुरी, थोड़ी सी फैंसी होती तो और अच्छी लगती। इसको चलो मैं देखूंगी, इसको डेकोरेट करूंगी टेप वगैरह से या फिर लैस वगैरह से। और ये वाली भी देख लेते हैं लड्डू गोपाल जी के हाथ में। ये तो ये लड्डू गोपाल जी को मैंने बांसुरी दे दी है। मैं सोच रही हूँ यही वाली बांसुरी दे देती हूँ लड्डू गोपाल जी के हाथ में। इसमें मोर पंख भी है, और ये लड्डू गोपाल जी ये। तो अभी मैंने लड्डू गोपाल जी की बांसुरी दे दी है, क्योंकि इनकी ड्रेस से भी मैचिंग हो रही है ये ब्लू। वैसे तो वो भी मैचिंग हो रही है पूरी, वो मल्टी कलर की है। तो लड्डू गोपाल जी को यही वाली बांसुरी लेनी है। और अब मैं लड्डू गोपाल जी को फूल माला पहनाऊंगी, और थोड़े से फूलों की वर्षा भी करूंगी। लड्डू भी पहले लड्डू गोपाल जी को माला पहना देती हूँ मैं। एक गोपाल जी को पहनाते हैं माला। ये पहन ली लड्डू बाबू ने माला ये, इस तरीके से पहना दी मैंने माला। और अब ये दे देते हैं इनकी बांसुरी जो हमने हटा दी थी। और अब थोड़ी सी मैं फूलों की वर्षा करूंगी। और भक्तों 30 तारीख की है रंग पंचमी, तो लड्डू गोपाल जी को भी हम कलर लगाएंगे उस दिन रंग पंचमी वाले दिन, क्योंकि अभी वृंदावन में होली तो ख़त्म हुई नहीं है, 30 तारीख को ही ख़त्म होगी, अभी तो चल ही रही है। तो लड्डू गोपाल जी को हम 30 तारीख को रंग पंचमी को गुलाल से और फूलों की होली हम इनको खिलाएंगे। तो अभी लड्डू गोपाल जी के ऊपर मैंने थोड़ी सी फूलों की वर्षा कर दी है। गोपाल जी अपने लिए क्या भोग बनवाते हैं। तो अभी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं आपको पास से दर्शन कराती हूँ लड्डू गोपाल जी के। और लड्डू गोपाल जी के फेस पे आप स्माइल देख सकते हो, कितना मुस्कुरा रहे हैं हमारे लड्डू बाबू। और इनका आज पहला श्रृंगार हुआ है, और इनके पास मैंने माला वगैरह रख दिए हैं, सखियां रख दी इनके पास, और साथ में ना राधा रानी भी बैठी हुई है सखियों के बीच में। और आज जो है ये वीडियो इनके श्रृंगार की है खाली, साथ में और लड्डू गोपाल जी हैं मेरे पास, जो उनकी मतलब राधा रानी और लड्डू गोपाल हैं उनके साथ अभी नहीं बना रही हूँ, ये खाली इनके श्रृंगार की है। उनके साथ भी आएगी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और राधा रानी, उनके साथ भी सबकी एक साथ वीडियो भी आएगी, फुल डे रूटीन भी आएगा।
तो आपको कैसा लग रहा है इनका श्रृंगार आप बताना कमेंट में। तो अभी इस वाली वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी भोग, तो देखते हैं लड्डू गोपाल जी क्या भोग बनवाते हैं, तो हो सकेगा तो उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे।